हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। वेलकम टू ध्वनिज मम्मा किचन। तो आज हम बनाने वाले हैं कस्टर्ड, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। आप विंटर्स में क्या होता है, फ्रूट्स काफ़ी आते हैं लेकिन बच्चों को पसंद नहीं होते फ्रूट्स, तो हम क्या करते हैं कस्टर्ड बना लेते हैं। कस्टर्ड में क्या होगा, बच्चे टेस्टी लगता है बच्चों को, तो बच्चे शौक से खाएंगे। तो मेरे पास एक बाउल है, इसमें मैं फ्रूट्स को काट लूँगी सारे। उससे पहले हम कस्टर्ड बनाते हैं, तो चलिए पहले कस्टर्ड बना लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये मैंने 1/2 लीटर मिल्क लिया है, इसको उबाल लिया है मैंने। इसमें हम अपना कस्टर्ड पाउडर मिलाएंगे, 2 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे, वो काफ़ी होगा इसके लिए। इसके लिए मैंने एक कटोरी ले ली है, इसमें हम 2 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर भर भर के डाल। अभी ये 1 स्पून ही हुआ है, 1 स्पून और डाल लेंगे भर के। देखिए इस तरीके से हम डाल लेंगे, और अब हम इसमें थोड़ा सा मिल्क डाल लेंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। कस्टर्ड बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर घर पे आप फ्रूट्स खाने का मन नहीं है तो आप कस्टर्ड बना लें, इससे आपके फ्रूट्स भी आप खा पाएंगे। और क्या होता है कि मन नहीं करता है, एक्चुअली में मेरा भी मन नहीं करता है फ्रूट्स खाने का। तो हम ये वनीला कस्टर्ड बना रहे हैं आज, तो ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसको मिल्क में मिला देंगे, और आप ध्यान रखिएगा कस्टर्ड हमेशा सिम गैस पर ही बनाएं, और बॉयल आने तक इसको अच्छे से चलाते रहें। बिकॉज़ अगर आप तेज़ गैस पे इसको रखेंगे तो क्या होगा, कस्टर्ड सारा जल जाएगा, तो इसलिए बिल्कुल सिम कर लेना है जब आप बनाएंगे। और अच्छे से इसको मिक्स करते रहना है जब तक कस्टर्ड में उबाल नहीं आ जाता और ये गाढ़ा हो जाता है बिल्कुल। इस तरीके से हम चलाते रहेंगे इसको। देखिए धीरे धीरे कस्टर्ड गाढ़ा होने लग गया है, तो इस तरीके से इसको चलाते रहेंगे हम, वरना ये बहुत ही जल्दी जल जाता है और इसका टेस्ट भी ख़राब हो जाता है। तो इसको अच्छे से हम चलाते रहेंगे जब तक इसमें एक बॉयल नहीं आ जाता। देखिए गाढ़ा होने लग गया है बिल्कुल। अब 1 से 1.5 मिनट में ही हमारा ये कस्टर्ड तैयार हो जाएगा। वैसे बच्चे फ्रूट्स खाते ही नहीं है, पता नहीं क्या होता है, बच्चों को पसंद ही नहीं होते हैं। हम बड़े भी आलसी होते हैं एक नंबर के फ्रूट्स खाने में। तो अगर आप फ्रूट्स नहीं खाना चाहते हैं बिल्कुल भी, और तो कस्टर्ड बना लें, ये काफ़ी मज़ेदार होता। मैं तो 1 वीक में ये बना ही लेती हूँ, तो मुझे तो बहुत ही पसंद है। आप भी एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए, और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए। मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आती रहूँगी, तो इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे जो भी मैं वीडियो डालूँगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी, आप चैनल मेरी वीडियो देख सकते हैं। तो अभी हमारा कस्टर्ड बनके तैयार ही होने वाला है, तो इसमें हम शुगर डाल देंगे, शुगर ऐड कर देंगे। जब ये बिल्कुल बनकर तैयार हो जाएगा तो लास्ट में हम शुगर डाल रहे हैं, देखिए। और मैंने इसमें जैसे कि 1/2 लीटर मिल्क है, तो इसमें मैंने 1/2 कटोरी छोटी वाली कटोरी मैंने शुगर डाला है, क्योंकि हम इसमें बनाना डालने वाले हैं और ग्रेप्स डालने वाले हैं, तो बनाना ऑलरेडी शुगर मीठा होता है, तो इसलिए अपने अकॉर्डिंग आप इसमें शुगर ऐड कर सकते हैं।
जितना शुगर आपको पसंद है। अगर आप ज़्यादा शुगर खाते हैं तो आप थोड़ा ज़्यादा डाल लें, बट हाफ लीटर के हिसाब से आधी कटोरी छोटी वाली काफ़ी है। तो ये कस्टर्ड पक चुका है बिल्कुल, और अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। और देखिए बिल्कुल गाढ़ा भी हो गया ये, और ये जब आप इसको ठंडा करेंगे तो ये और ही गाढ़ा हो जाएगा। तो अभी मैं गैस को ऑफ करने वाली कर देती हूँ। चलिए ठीक है, जब तक हमारा कस्टर्ड ठंडा हो रहा है तब तक हम फ्रूट्स काट लेते हैं। तो मैं बनाना ले रही हूँ, पहले हम बनाना काट लेते हैं। बनाना तो वैसे भी बहुत ही अच्छा लगता है खाने में, और वैसे खाओ तो वैसे मन नहीं करता घर पे, लेकिन कस्टर्ड में बहुत ही अच्छा लगता है ये बनाना। तो छोटे छोटे पीसेस आप काट लें बनाना के, इस तरीके से आप छोटे छोटे पीसेस काट लें बनाना के। और मैं इसमें ज़्यादा बनाना नहीं, सिर्फ दो ही बनाना डालूँगी, काफ़ी रहेगा आधे लीटर मिल्क में ये। तो एक में बनाना काट लिया है और दूसरा भी मैं यूज़ काट के इसी तरीके से हम काट लेंगे दूसरा भी। आपके पास और भी फ्रूट्स हैं जैसे कि आप इसमें एप्पल भी डाल सकते हैं, ब्लैक ग्रेप्स भी डाल सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, जो आपका मन करे इसमें वो आप फ्रूट्स यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अमरूद और पपाया ऑरेंज ये मुझे कम पसंद है इसमें, तो मैं ये नहीं डालूँगी। अब मैं ग्रेप्स डाल लेती हूँ, ग्रेप्स भी हम छोटे छोटे पीसेस करके डाल लेंगे। तो एक ग्रेप्स के आप दो या तीन पीसेस कर सकते हैं, जैसे कि ये हो गया एक पीस और ये हो गया दूसरा, तीन पीस मैंने करे हैं। इसी तरीके से सारे ग्रेप्स हम इसमें काट लेंगे जितने हमको यूज़ करने हैं। तो मैं लगभग 100 ग्राम ग्रेप्स ही इसमें काट रही हूँ, काफ़ी रहेंगे। तो हमारे मोस्टली ग्रेप्स कट चुके हैं। देखिए कस्टर्ड हमारा अब ठंडा हो गया है, तो बाउल में जो मैंने फ्रूट्स काटे हैं उसमें हम इसको मिक्स कर लेंगे, और थोड़ी देर के लिए हम इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं। विंटर्स चल रहा है क्योंकि गर्मियों में तो हम इसे ठंडा खा सकते हैं फ्रिज में रख के। तो अभी ये मुझे थोड़ा सा गर्म लग रहा है, तो हम इसको 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। तो ये बिल्कुल अच्छा सेट हो जाएगा और थोड़ा गाढ़ा भी हो जाएगा, और इतना गाढ़ा भी काफ़ी है, लेकिन थोड़ा ठंडा होने के बाद थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है, तो बहुत ही टेस्ट आ जाता है ठंडा होने पर। तो मैं 5 से 10 मिनट के लिए इसको बस फ्रिज में रखूँगी, उसके बाद बाहर निकाल कर रख दूँगी। तो देखिए कितना अच्छा कस्टर्ड बना है हमारा, और मैं आपको दिखाती हूँ इसको। देखिए बहुत ही टेस्टी, मन कर रहा है अभी खा लूँ इसको। तो मैं थोड़ा सा टेस्ट करके देखती हूँ, मुझसे नहीं रुका जा रहा है। तो पहले मैं छोटे बाउल में कर लेती हूँ इसको। मेरी बेटी को भी कस्टर्ड बहुत, मैं उसको भी खिलाने वाली हूँ ये। तो आप भी अपने घर पे बनाइए, अपनी फैमिली को खिलाइए, और मिलेंगे हम नेक्स्ट रेसिपी के साथ दूसरे वीडियो में। टेस्ट कर रही हूँ मैं। बहुत ही यम्मी बना है, तो आप भी बनाइए और अपनी फैमिली को खिलाइए। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।